हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल और नॉन मेटल की। क्या बात करने जा रहे हैं? मेटल और नॉन मेटल को, इसको बोलते हैं बड़का बड़का भैया और इसको बोलते हैं छोटका भैया। ठीक है, दोनों ही भैया हैं बट अलग अलग इसकी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले इधर इधर मेटल लिख लें और इधर लिख लें क्या नॉन मेटल लिख लें। क्या लिख लें? नॉन मेटल। सबसे पहला जो जरूरी बात है, मेटल क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और इसको बोलते हैं क्या? अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। सबसे पहले ये हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है और ये हीट नहीं जनरेट करता। कुछ कुछ कीसेट में हीट जनरेट करता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था, क्योंकि ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है और ये क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है, पांचवा बात करें तो कुछ एग्जांपल लीजिए तो सोडियम हो गया मेटल, हो गया कॉपर, हो गया आयरन, हो गया, ये सारे क्या है? मेटल है। अगर इधर बात करें तो आपका क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, ये तो था थोड़ा एक जर्नल। मैं बात करता हूं मेटल को और कैसे पहचानेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। देख लो भाई साहब, मेटल को पहचानने के लिए सबसे जरूरी बात ये है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? अमीर बनना चाहता है। तो वैसे मेटल भी क्या होते हैं कि सभी को 8 ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, 2, 8, 8, 18 ऐसे होता है ना। तो अगर 8 कंप्लीट है ना, ऑक्टेट का मतलब कितना? ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अगर जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो अमीर आदमी है। तो वैसे जो मेटल होते हैं, मेटल होते, मान लो सोडियम ले लें तो सोडियम का कितना होता है? 2, 8, 10 और 1, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 8 हो जाएगा और ये अमीर आदमी बन जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेटल कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन को ले लें तो क्लोरीन का होता है 8, 2, 10, 7, 17। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाता है 2, 8 और ये 8 हो जाता है। तो ये इसके ऊपर क्या आ जाता है? माइनस चार्ज। और इसके ऊपर क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और एक और इंफॉर्मेशन, जानकारी दे दें कि हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं यूट्यूब के ऊपर, सक्षम टीम के ऊपर। सक्षम टीम के ऊपर हमारी लाइव क्लास चलती है। मॉर्निंग में अगर बात किया जाए तो जो जीके या जीएस की क्लास चलती है, जीएस का मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो 4:30 AM पे चलती है। इंग्लिश की क्लास अगर बात करें तो वो 5 AM पे चलती है। और शाम को अगर बात किया जाए तो हमारी जो फिजिक्स की क्लासेस होती हैं बेसिक्स वाली, वो 7 बजे चलती है, 7 PM पे। और जो हमारा केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो 8 बजे चलती हैं और जो मैथ की क्लासेस हैं वो 9 बजे चलती हैं। ये आप नोट करिए, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। और एक और मैंने इसमें ऐड किया है, 5:30 बजे योगा और एक्सरसाइज की भी लाइव क्लासेस चलाने की मैं सोच रखा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। अपने चैनल को मित्रता बनाए रखो, सब्सक्राइब कर रखो। ऑल द बेस्ट।